हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही शॉर्ट और इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। चार्ट को बेहतर तरीके से एनालिसिस करने के लिए हमने एंजल वन वेब वर्जन में जो है लॉगिन कर लिया है। अभी जो आप चार्ट देख रहे हो निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमने जो है सेट कर लिया है। आप यहां पे देख सकते हैं कल के दिन हमें बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 90,660 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो है हमें यहाँ पे 19,500 से लेकर 19,520 का देखने को मिल रहा था। एग्जैक्टली देखिए आप यहाँ पे पहले भी मल्टीपल टाइम इसी लेवल पे आने के बाद में यहीं से हमें ऊपर की ओर बाउंस इसमें जो है देखने को मिल चुके थे। आज दिन में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, कैंडल ने यहाँ पे इसी आसपास लो लगाने के बाद फिर से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। जो भी यहाँ पे गैप था वो गैप फिल होता हुआ दिखाई दे चुका है। अभी जो यहाँ पे पहले सपोर्ट का काम कर रहा था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। देखिए दोस्तों जब भी सपोर्ट जोन ब्रेक होते हैं वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। इसी लेवल पे आने के बाद फिर से हमें यहीं से रिजेक्शन इसमें देखने को मिल चुके हैं। तो ये वाले जो जोन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बहुत ही ज़्यादा रहने वाले हैं। अगर कल के दिन यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे अपसाइड में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर सपोर्ट जोन नीचे की ओर ब्रेक डाउन हो जाता है तो यहाँ से हमें नीचे की ओर फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। ये तो हो गया निफ्टी का, अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का भी ये जो आप चार्ट देख रहे हो हमने इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में सेट कर लिया है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था यहाँ पे 43,600 से लेके 43,700 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। एग्जैक्टली आप देख सकते हो इसी लेवल पे आने के बाद यहीं से ऊपर की ओर बाउंस देखने को मिला, क्योंकि पहले भी जो है हमें यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में मल्टीपल टाइम इसी जोन से जो है ऊपर की ओर तेजी देखने को मिल चुकी थी। अभी फिर से जो है यहाँ पे हमें यहीं से ऊपर की ओर बाउंस देखने को मिला। फिलहाल के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा ये जो है। अगर से कल के दिन ब्रेक डाउन करता इसके नीचे अगर कैंडल सस्टेन करके क्लोज दे देती है तो यहां से हमें नीचे की ओर कंटिन्यूअसली फॉल भी देखने को मिल सकता है। चांसेस ये भी हो सकते हैं यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर फर्दर तेजी भी देखने को मिल जाए। तो फिलहाल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस नेक्स्ट वाला जो होने वाला है 44,400 का, अगर इसको भी ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो 44,700 का हमें इसमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप अपने चार्ट पे ड्रॉ नहीं किए हैं तो ड्रॉ करके रख लीजिए। इंस्टा ट्रेड फीचर का यूज करके आप डायरेक्टली यहीं से बाय कॉल और बाय पुट कर सकते हैं। अभी हमें मान लीजिए बाय कॉल करना है तो यहां पे हम बाय कॉल पे टैप करेंगे। जैसे ही हम उस पे टैप करेंगे आप यहां पे नीचे स्क्रॉल अगर करते हैं तो यहां पे हमें कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे हमें टैप करना है। जैसे हम उस पे टैप कर लेंगे हमारे सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। आप अगर से कॉल को बाय करके होल्ड करना चाहते हैं तो कैरी फॉरवर्ड में करेंगे, अगर सेम डे बाय सेम डे सेल करना चाहते हो आप इंट्रा डे में करेंगे। यहां पे लॉट साइज दिया है 25 का, यहां पे बैंक निफ्टी का है तो यहां पे जो है हम 1 एंटर करेंगे। और नीचे में आप देख सकते हो लिमिट और मार्केट का ऑप्शन दिया है। लिमिट यानी कि आप अपने मनपसंद प्राइस पे इसको खरीद सकते हो। जैसे कि इसकी प्राइस चल रही है 110, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं 105 पे तो यहां पे आप एंटर करेंगे। जब भी इसकी प्राइस यहां पे आ जाएगी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मार्केट रेट क्या होता है, मार्केट रेट यानी कि जो भी इसकी करंट प्राइस चल रही होती है उसी पे डायरेक्टली आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। सिंपली हमें यहां पे बाय पे टच करना है। बाय पे टच करने के बाद कन्फर्म आ जाएगा, कन्फर्म पे टच करने के बाद हमारा ऑर्डर जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में फ्यूचर ऑप्शंस में एंट्री का प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही उसमें एंट्री बनाएं। और अभी तक आपने एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस लिंक का यूज करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Oh,